झारखंड की राजधानी इन दिनों कैशलेस हो गई है और खासकर त्योहारों के मौके पर लोगों को खरीदारी करने में भी मुश्किलें आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर लगे एटीएम में इन दिनों कैश नहीं मिल रहे हैं, जिससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय मैं खड़ा हूँ एटीएम के समक्ष, यानी कि एटीएम ऑल टाइम मनी, जहाँ लोग अपना पैसा जो अपने खाते से निकाल कर त्योहारों की खरीदारी के लिए पैसे निकाल रहे हैं। ऐसे में राजधानी के कई चौक चौराहों पर एटीएम जो है वो आमूमन वहां पे ख़राब मिल रहे हैं या फिर कैशलेस हो गया है। यहां तक कि एटीएम में कार्ड लगाने के बाद भी लोगों को पैसे नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसे है जहाँ से लोग पैसे निकाल भी रहे हैं। सर, रांची में कई एटीएम ऐसे है जहाँ कैशलेस हो गया, यानी कि पैसा निकल नहीं रहा है, लोगों को खासा परेशानी हो रही है। अभी क्या स्थिति लगता है आपको रांची में इस तरह के एटीएम में? रांची में सर देखिए, अभी बहुत सारे एटीएम अभी डिजिटलाइज हो गया है। बहुत सारे एटीएम में ऐसा ऐसा कंडीशन आता है कि कस्टमर को प्रॉपर उसका गाइडिंग करके, यदि उसको एटीएम के आगे यदि प्रॉपर गाइडलाइन लिखा जाए तो बेटर रहेगा। कि त्यौहार का सीजन है, ऐसे में लोगों को कैश अगर नहीं मिलेगा तो लोग खरीदारी कैसे करेंगे, क्या होना चाहिए इसमें? देखिए सर, ये तो बैंक जो, जैसे ये HDFC का एटीएम है, ठीक है, तो HDFC का भी एटीएम का भी कंट्रोलिंग में जो है वो देखना चाहिए बैंक को एक बार, कि अभी फेस्टिवल का सीजन में यदि कस्टमर के पास पैसा ना रहा, इस कंडीशन में कस्टमर का भी थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। क्या लगता है रांची के कई एटीएम में पैसा नहीं मिल रहा है, आप भी कहीं ट्राई कर रहे थे? नहीं सर, हम तो कभी ट्राई नहीं किया अभी एटीएम में। हाँ सर, दिक्कत तो हो रहा है निश्चित तौर पर, ये परेशानी है, अभी ये झेल रही है। हम लोग साल भर से तो देख रहे कि अब बैंक के नीचे जो एटीएम है उसी पर पैसा है, दूसरे जगह पैसा कम दिखते हैं, दो चार जन अगर निकाल ले तो पैसा नहीं रहते हैं। ये सरकार को देखने की सर जरूरत है, ये केंद्र सरकार की मामला है। आस्ते आस्ते छोटे होते जा रहे बैंक के जमा, पहले बैंक 50 अगर थे, अब वो 8 हो गए हैं, अब 5 होने जा रहे हैं। अब तो हमें जो पता चला है कि बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एटीएम से अपना पैसा ही निकाल सकते, दूसरा कस्टमर उससे पैसा नहीं निकाल सकते। हमने एक दो एटीएम पर यह जांच भी किया, ये गलत हो रहा, ये बढ़ाने की जरूरत है, घटाने की नहीं। खाते में लोगों का खाता इसलिए लोग रखते हैं कि समय पर उनके खाते में रखा हुआ पैसा उनको मिल सके, और खासकर अभी त्यौहार के मौके पर लोग अपने पैसे निकालना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं। लेकिन राजधानी रांची का ये आलम है कि विभिन्न चौक चौराहों पर लगे एटीएम कहीं खराब हैं तो कहीं सर्वर नहीं है। इस वजह से लोगों को खरीदारी करने में भी, त्यौहार मनाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है, खासकर विभिन्न क्षेत्रों के साथ, जब ग्रामीण क्षेत्र का भी ये हाल होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह का लोगों को देखा जा रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया भी कई एटीएम जहां पे खराब पड़े थे, लोगों ने भी बात की, और जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, हर कोई इस परेशानी से परेशान है और कह रहा है कि एटीएम खराब होने की वजह से त्यौहार में खरीदारी उनके लिए एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। अंदर भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, रांची के कई एटीएम ऐसे हैं जहां पे कैशलेस हो गया, यानी कि कई जगह पेमेंट नहीं आ रहा है, डिस्क्लीन हो जा रहा है, तो क्या कुछ परेशानी हो रही है, जैसा कि अभी त्यौहार का सीज़न है? परेशानी तो यही आ रही है कि कैश नहीं आ रहा, अभी हर जगह पे कैश ही मांग रहे हैं लोग, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, दूसरा एटीएम में आया था HDFC का, यहाँ भी कैश नहीं है। कितने एटीएम घूम गए आप? ये दूसरी है। यानी हर कोई दो तीन एटीएम का चक्कर लगाने के बाद जब पहुंच रहा है तीसरे एटीएम, तो वहां भी इनको यही हाल मिल रहा है, जहां एटीएम लगाने के बाद भी कैश की कमी है, यानी कैश लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि एटीएम खराब होने के बाद लोग कैसे त्यौहार मनाएं और कैसे खुशियों में शरीक हो सकें। अपने सहयोगी विजय कुमार सिंह के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।